हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज अपनी हो चुकी है पूरे 1500 लोगों की यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया और जिसके बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना यार, तो मैंने एक एक लोगों का मोबाइल लेता था और उनसे मतलब उनके फ़ोन में सब्सक्राइब करता था कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और तब जाके आज कहीं जाके 1500 लोगों की जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, वो बन चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इसी तरह के साथ देते रहेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे मुझ पर। और बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अब आप जल्द से जल्द मेरा 2K कंप्लीट करवा दीजिए और मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए आगे आने वाले समय में भी कि अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊँ और अच्छे अच्छे जगहों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लोर करूँ इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं, पर उसके लिए आपको मेरा साथ देता रहना होगा, तभी जाके मैं कुछ कर पाऊंगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जगहों का एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना ज़रूर करेंगे मेरे लिए और एक बार फिर से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अभी तक। दोस्तों आपको पता है कि मुझे बहुत से लोग जो गाँव के हैं वो बोलते हैं कि पत्रकार, यानी कि मैं उनको लगता है कि मैं पत्रकार हूँ या फिर मीडिया वाला हूँ। अब ऐसे उनको कौन बताया यार कि अब ब्लॉगर अलग होते हैं और पत्रकार अलग होते हैं, ब्लॉगिंग अलग चीज़ है और पत्रकारिता अलग चीज़ है। पर उन लोगों को लगता है कि जो भी मैं दिखाता हूँ मतलब किसी भी जगह के बारे में, तो वो मतलब पत्रकार ही करता है। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई मीडिया वाला नहीं हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ। यानी कि जो चीज़ भी होता है मेरे साथ या फिर मेरे आसपास की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को बस मेरा काम होता है उन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करूँ, उनके बारे में आपको बताऊँ। तो अब यार मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मतलब मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ जो कि अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सभी जगहों के बारे में दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा ग्राउंड और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी देख सकते हैं आप, मैं पीछे बैकग्राउंड में जोहिला साइड से जा रहा हूँ घर की तरफ और ज़्यादातर मेरी वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है क्योंकि अपना गांव ही ऐसा है जहाँ कुछ है नहीं देखने लायक, बस सीधा साइड में आके अपना जो वीडियोज़ हैं वो शूट कर लेता हूँ और बस यही सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आज बीरू का लुक देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार का है और चल कैसा रहा है आप देख पा रहे हो, तो देख पा रहे हो नदी, हम लोग वहाँ पे नहाएंगे, वहाँ पास धार में ठंड लगा, तो नदी में नहाते हैं और फिर फटाफट चलेंगे मैदान। और आप लोग बने रहिएगा आज, और यहाँ पास का आप व्यू देखिए कुछ कर गया है और इधर सर तुम्हारा मोहल्ला उदा हुआ आ गया काम था घरे कितना टाइम आ गया पता नहीं चला, काम तक स्पेलिंग होता है डी ओ जी डॉग रबी डॉग होता है, काम तो नहीं होता। तो नदी आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा है और हमारा मैदान है इधर साइड, मतलब गांव से बाहर में है तो जिधर से नदी जा रही है ऐसे। तो आप लोग को आज लेके चलेंगे मैदान और दिखाते हैं हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो कैसा है टूर्नामेंट का। तो दोस्तों आपको देख पा रहे हैं जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये है बेर, बेर का पेड़ ये हो गया और एक ये हो गया जो दिख रहा है, ये भी बेर का पेड़ है। और ये यार आजकल मतलब इन पेड़ों को हो क्या गया है, मतलब इनमें फल ही नहीं लग रहे हैं, देख पा रहे हो आप, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब पहले का टाइम था ना जब हम लोग छोटे छोटे थे, देख पा रहे हो इसमें इन किसी भी पेड़ों में अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी में फल ही नहीं लगा है। जितने भी यहाँ पास तीन चार पेड़ हैं वो हो गया देख सकते हैं, और एक ये हो गया और एक ये हो गया और दूसरा वो, तो किसी भी पेड़ में मुझे अभी तक फल दिखाई नहीं पड़ा है। यार फलते क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत है मुझे, यार क्यों नहीं फलता। और जैसा एक ये बेर हो गया और बेर मतलब होता है गांव में जिसको बोइर बोलते हैं, तो बोइर बोइर का पेड़। दोस्तों पहले के टाइम पे होता क्या था, जब हम लोग छोटे छोटे थे स्कूल जाया करते थे तब मतलब बेर खाने भूल जाया करते थे खेतों में और पत्थर से उन्हें मतलब नीचे गिराया करते थे। पर अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि मतलब मैंने आज तक बहुत से दिन हो गए कि देखा नहीं, छोटे बच्चों को भी देखा कि वो कभी पेड़ जो पेड़ होता है बोइर का उसके नीचे भी गए हों और पत्थर मारे हों, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के जो बच्चे हैं वो बिजी होते हैं मोबाइल में, पबजी फ्री फायर ये सब खेलने में, गेम्स में। तो यार वो दिन अलग थे जब हम लोग छोटे थे,
और आपके बच्चे पूरे डिजिटली हो गए हैं, तो सही बात है नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग जब छोटे बड़े तो हम लोग इन सब ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा रुचि करते थे कि आज बेर खाने जाना है और जाके पत्थर से भी डंडे के सारे बहुत ज़्यादा बेर खाया करते थे। भी जिसका पेड़ होता था वो दौड़ाते भी थे, तो कुछ इस प्रकार की जो यादें होती थी वो बचपन का होता था। पर आज का टाइम कुछ अलग है, आजकल तो कोई जाता भी नहीं है पेड़ों के नीचे जो बेर होता है, शायद इसीलिए वो लोग भी परेशान होकर फलते नहीं हैं और इसलिए शायद अब फल भी नहीं लगते बेर के पेड़ों में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके उधर ऐसे बेर वगैरह के पेड़ होते हैं उनमें अब फल लगते हैं पहले की तरह या फिर नहीं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी ग्राउंड, देख पा रहे हो मेरे साथ में धन सिंह, मान सिंह और शंकर, तो हम जा रहे हैं ग्राउंड। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, दिखाते हैं हम हमारे ग्राउंड को आपको कि कैसा है हमारा ग्राउंड। थोड़ा सा दूर है, गांव से बाहर है इसलिए थोड़ा सा दूर पे है। महाशिवरात्रि तो आज हम लोग ले जा रहे हैं सामान, देख सकते बोरी में, तो दुकान भी लगाना है और मैच भी खिलाना है, तो बहुत सारा काम है आज। देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद। तो हम लोग ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बाहर है गाँव से, तो चलो दिखाता हूँ आज ग्राउंड। और आप लोग बने रहिएगा, पूरे टूर्नामेंट कैसे होते हैं वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इधर साइड अपना गांव देख पा रहे हो, यहाँ पास दिख रहे हैं जो घर, यहाँ से स्टार्ट होती है गांव और ग्राउंड देख सकते हैं कितना दूर है वो दिख रहा है। तो इतना दूर है गाँव और गाँव से हम लोग वहाँ से लड़के दिखाऊँगा बस वायर, देख पा रहा हूँ ये वायर गई है ऐसे, तो वहाँ तक लाइट खींचे हैं और रात में रहते हैं दो सारे लड़के, ये टकले लोग रहते हैं रात में। तो चलो अभी ग्राउंड के पास पहुँच के दिखाता हूँ। और आप इधर कह रही है देखो कुछ इस प्रकार का है, और आने वाली है गर्मी ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, फिलहाल हवा चल रही है प्लस ठंड भी लग रही है। इधर का एरिया ही देखिए आप, पूरे जितने भी दिख रहे घास पूरे येलो येलो हो रखे हैं क्योंकि आने वाली है गर्मी। और ग्राउंड देख पा रहे हो तो बहुत ही एकदम खुले जगह में, तो हवा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। अरे इधर ही लगा सीधे पल्ला, इधर लगा रहे कवेटी के पास में, तो देख पा रहे हो ग्राउंड, तो ग्राउंड देख पा रहे हो यहाँ पे है ग्राउंड। और हाँ इधर साइड का एरिया हमारे गांव में आज इवेंट होता है कि आज शायद वाटर चैलेंज का भैया कैसना रुपये किलो दे था का? बाहर हो ले यार घोड़ा।